मेरे वाइफ पीएसटी टीचर है गवर्नमेंट गार्ड्स प्राइमरी स्कूल गोलदूर में। वो 20 साल तक बायर सर्विस किया है जी। उसके बाद उसका पोस्टिंग जीजीपीएस गोलदूर में हो गया है। उसके बाद जो उधर सर्विस में था थे पीएसटी टीचर, उसका उधर 18 साल सर्विस एक ही जगह में हो गया है। तो मेरे वाइफ का गुर्दे का ऑपरेशन हो गया आगा खान अस्पताल कराची में। उसके निस्बत भी उसको दोबारा जीजीपीएस ब्रोज में, ऑलरेडी वो 4 साल जीजीपीएस ब्रोज में सर्विस उसने किया है। उधर से उसको जीजीपीएस गोलदूर में ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसके बाद दोबारा उसको जीजीपीएस ब्रोज में ट्रांसफ़र करके वही उस्तानी टीचर को उसी जगह में रखा गया है। वो 4 साल से है उधर? वो 4 साल से जीजीपीएस ब्रोज में है जी। वहाँ ये गांव का ही है? वो चित्राल के है जी। वो चित्राल का है? हाँ। तो वो काफ़ी दूर जाके जॉब कर रही है? हाँ। तो अच्छी बात नहीं है ये? अच्छी बात है, लेकिन वो 20 सालों से बायर सर्विस कर रहे हैं। अपने वाइफ को वहाँ ले जाना चाहते हो? वो ऑलरेडी उसका हो गया था उधर, हो गया ट्रांसफ़र हुआ था। तो वो जिसका ट्रांसफ़र होता है लीगली हुआ था? कई पैसे आपने दिया था? नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया, लीगली उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो जिस लड़की ने उसके जगह में मेरे वाइफ के ट्रांसफ़र आर्डर को कैंसिल पैसा दे के कैंसिल करवा के अभी दोबारा उस पैसे किसको दिया? पैसे ये पता नहीं किसको दिया, लेकिन उसका आर्डर कैंसिल करवा के अभी उस स्कूल में दोबारा आ गया है। तो इतना पावरफुल है ये? आप दरख्वास्त लेके आए हैं? ये क्या दरख्वास्त? ये अभी एक्सप्लेनेशन हुआ है मेरे वाइफ का। अच्छा, आइए इसको इस तरफ। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हुआ है, क्लोज अप। अच्छा, तो फिर अभी आपके क्या दूसरा क्या इकदाम होगा, क्या करेंगे आप? बस हमें दरख्वास्त दिया है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हो रहा है। गौर नहीं हो रहा है? हाँ। तो फिर अभी आपके जो वाइफ है वो कहीं पर टीचिंग नहीं करती है? तो अभी वो बीमार है घर में, लेकिन उसका डॉक्टर साहब ने रेस्ट दिया है, लेकिन ईडीओ एजुकेशन साहब उसको नहीं मानता है। तो जरूरी बंदा होते ना उसको बदल करने के लिए, तो ज़्यादा कोई नहीं सुनता है। जब सफारिश या दूसरे इनका रिश्तेदार हो तो उनको बदल करते हैं। हमारा भी एक चचाजाद इतना मजबूरी था, उसका बीबी बीमार था, वो लुटकू में था। मैंने इधर आकर उसको कहा कि उसको मुल्कों में तब के उसका बीबी बीमार है। तो किस 3-4 दफा मैंने दरख्वास्त दी, किसी ने नहीं सुना। ऐसे कि बस ये दरख्वास्त की देर बाहर फेंकता हूँ बस, इस तरह किसी का नहीं। जब सफारिश होता है या रिश्तेदार होता है तो उसका सुनते हैं। कोई ज़रूरी काम हो तो इसके लिए ये ज़रूरी है, घर में मजबूरी है। उसका भी 3 साल हो गया लुट को पाकिस्तान में है, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, अभी आप लोग सारे चित्राल के तालीमी निज़ाम से खुश है? सही चल रहा है? सही नहीं है, सही नहीं है। गवर्नमेंट की जो प्राइमरी सेक्शन के जो हैं उस पर हमारा बहुत सी वो हैं, इसलिए कि यहाँ जो लोग हैं कुछ लोग गवर्नमेंट में ये रूल्स हैं, अब ये वो करें, गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं ये, तो इस रूल्स के मुताबिक आप फॉर इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं। और आप एनजीओज में काम नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन हो। तो हमारे गर्म चश्मा के एरिया में ऐसे एनजीओज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स मुलाजिमीन जो हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, चलो आप इन्वेस्टिगेशन में तो खुद ब खुद हो जाएगी अगर इस पर कोई अमल हुआ तो। तो ये लोग क्या है, एनजीओज़ में काम करते हैं, तो उसमें अगर मीटिंग में जाएंगे इस तरह से ऑटोमेटिकली तो क्लास डिस्टर्ब होंगे, और जो उनका ख्यालात माइंड मनी की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन का सिस्टम गलत तो होगा। गवर्नमेंट से भी तनख्वाह लेते हैं, एनजीओ से भी तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाह नहीं लेते हैं, तो उसमें कमीशन है, कोई ठेकेदारी सिस्टम है, कोई वो मिल जाता है, TADA मिल जाता है। तो ये आपके वो हैं क्या नाम है, कानून के सेक्शन हैं 32-33, आप कापी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्यों लिया कॉपी? तो मैं ईडीओ को ये बताने वाला था कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और आप नए आए हैं, हमारा बहुत एतबार है, आप चित्राली नहीं हैं, इसलिए आप कुछ काम करेंगे, इसलिए मैं आया था। अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए। तो अभी नहीं, तो आप सही जगह पर पहुंच गए अभी। सही, तो आपके ख्याल में कितने ऐसे टीचर हैं गवर्नमेंट के टीचर जो तालिबान बहुत हैं गर्म चश्मा एरिया में, 30-40 होंगे, 30-40 होंगे गर्म चश्मा के अंदर, वो एनजीओस के अंदर काम की जगह पे जो गवर्नमेंट के स्कूल से वो खाली है उनके। नहीं, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल नहीं जाते हैं, ये नहीं है, मतलब हाँ शक्ल दिखाने के लिए जाते हैं, दरख्वास्त पढ़ के दरख्वास्त वहाँ लिखते हैं, अगर कोई आ जाए तो दरख्वास्त पढ़ा हुआ है, नहीं आया दरख्वास्त फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, कुछ उम्मीद है? उम्मीद है, असल बात यह है कि सच्चाई के लिए
काम करना चाहिए चाहे लोगों की मुखालिफत कितना भी क्यों ना। क्या जामी दे हुजनो को ये इस पर तो क्या जामी दे हुजनो को ये से हाँ तो क्या तरीका क्या जामी क्या हने किया तो हाँ तो जामी है इसकी आते क्रोजु जोशा जोशा आसुनी या ओष्टा आसुनी आते खास को बिजली बेल दिखी गए न हाथों हुजनो को न्यान उहो बेल गए न हाथों हुजनो को न्यान तालीम तहाश तालीम चे तो साख लियो प्राणा आस आस हाँ हाथों हुजनो को न्यान बिजली बेल की को आतो को लोट और तालीम हाथों तालीली इस पर जल्दी आतो हुजनो को न्यान मगर सर का प्राइवेट स्कूल है पिसी कोनो बयान प्राइवेट स्कूल क्यों ते पिसे ले गवर्नमेंट ऑफ मुफ्त चीये था वधी हज़रा मां दी था रोई पैसा दारी दी थी ना ताना जल्दी ओ प्राइवेट स्कूल है पिसी न्यान अब तम पैसा दारी है ना नो कि पैसा दार मोस्टर दी कंजूस बॉय लेकिन आसे गवर्नमेंट स्कूल है क्यों ते नो पिसी न्यान गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों नो पिसी रहा कि टीचर ई अनुस गोयान ई अनुस नो गोयान कार गोलियो सफार दो मां टीचर ई अनुस गोयान ई अनुस नो गोयान हेरें दी थी अजेली तान मतलब एक टू जेड असे खराब बयान दूरा को आतिशाओ रंग इतात मा है मा महाराज स्कूल है पसरा हमुनी पैसा करा क्या कि मुस्लिम मर्डर स्कूल क्या कि ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल क्या कि इस स्कूल क्या कि इस स्कूल हजार जो कसम स्कूल चेनी मतलब फैसिलिटीज हो कि सरकारी स्कूल हो तो दोनी पूरा रोहन अजेली है स्कूल है सब आ रहे नहीं प्राइवेट स्कूल ही काबिर मैं ख्याल मुताबिक मैं सरकार होते दी आवाम होते दी रुकर से क्या प्राइवेट स्कूल है बंद कर क्या सरकारी स्कूल होते इठाटी दोनी मैं खास तरह तो लड़ता हूँ जहाँ तारीम शुक्र बात करें आप बिल्कुल जीरो है चित्राल में जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में दाखिला कराते हैं या पिशावर में कराते हैं या इस्लामाबाद जहाँ तक आप गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं टीचर के असल तनख्वाह भी इतने ज़्यादा नहीं है पहले जो टीचर होते थे प्राइमरी पास होके इधर आते थे लगा अब MSc दर बदर फिर रहे पोस्ट नहीं मिले फिर इन बड़े बड़े पोस्ट में बड़े सियासी हाथ हैं चित्रा में आप देखेंगे आपको शायद मालूम होगा पाँच चार पाँच लाख आबादी है पहले इधर फीमेल जो EDO आया था ये भी MP MNA की बंदे हैं जो सारे जो सारे जीरो साइड में गरम चश्मा से हमारा उधर तो गवर्नमेंट हाई स्कूल ही नहीं है हमारे गांव में कौन से गांव आपका परेशान है ना उधर हाई स्कूल ही नहीं है मिडिल स्कूल है हम गरीब लोग हैं ना इसलिए हम दो तीन घंटे पैदल जाके उधर गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करते हैं हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है तालीम कहाँ से हासिल आपके गांव की कितनी आबादी है आबादी तकरीबन 350 प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी मिडिल भी है हाई नहीं हाई नहीं हाँ हमारा सबसे बड़ा मसला है हमने जो तालीम हासिल की थी मेट्रिक तक हम भी वहाँ से काफ़ी दूर और सुनौर में से हमारा हाई स्कूल उधर हासिल किए और अभी भी वहाँ ऐसा हुआ है सैलाब आया हुआ है सुनौर में जो रास्ते वो भी कटे हुए और जो रास्ता भी है वो बहुत ख़राब है जो हम जाते हैं वो और को एजुकेशन है वहाँ तो लड़कियाँ और बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं तो ये सबसे हमारा बड़ा मसला है कि परवाह की जो आबादी है वो तकरीबन 1000 के लगभग है और वहाँ से जो रास्ता है जो पुल है वो काटे हुए सारे हैं पिछले साल की जो सैलाब की वजह से कटे हुए हैं और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है तो इस वजह से मेरा दरख्वास्त ये कि परवाह